हे व्हाट्स अप गाइस, तो चलिए आज फिर से लेकर आ चुके हैं एक और फ्रिज का डिटेल में बताने वाले हैं। जो आपका फ्रिज के बारे में बता दे कि वो फ्रिज होने वाली है आपका सैमसंग होगी और व्हर्लपूल होगी। इन दोनों फ्रिज का कंपैरिजन कराने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। एक होगा जो व्हर्लपूल के 1 स्टार में आएगा और सैमसंग के जो आएगा वो 2 स्टार में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो पूरा डिटेल में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बता दे कि अभी तक मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेरा नाम आकाश कुमार चौधरी और आप सभी को स्वागत है मिस्टर चौधरी चेस में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे दोनों फ्रिज है, यहाँ पर जो है सैमसंग ब्रांड है और यहाँ पर व्हर्लपूल ब्रांड है। तो चलिए इन दोनों के बारे में बता दें कि ये वाला जो आने वाला है फ्रिज ये होगा 2 स्टार का और यहाँ पर जो है व्हर्लपूल का फ्रिज ये आएगा 1 स्टार का। तो चलिए इन दोनों के बारे में बता दें कि वारंटी गारंटी का बात बता दें कि इसमें जो सैमसंग के आएगा वो आपका आएगा पूरे 20 साल का वारंटी और जो व्हर्लपूल के यहाँ पर आएगा यहाँ पर पूरा 10 साल का वारंटी। दूसरा बताया था कि आपको बता दें यहाँ पर जो यहाँ पर स्मार्ट इन्वर्टर के बात बताया था, यहाँ पर दोनों में स्मार्ट इन्वर्टर है। आपको जो बता दें कि यहाँ पर व्हर्लपूल में भी स्मार्ट इन्वर्टर का यूजिंग भी है और यहाँ पर भी। स्टेबलाइजर की बात करें तो इन दोनों में स्टेबलाइजर की लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर स्टेबलाइजर भी इसमें ऑटो मोड दिया है, आप यहाँ पर विदाउट स्टेबलाइजर को यूज कर सकते हैं। चलिए इसको अब बता दें यहाँ पर सैमसंग कितना लीटर का है और व्हर्लपूल कितना लीटर है। तो चलिए यहाँ पर हम बता दें तो यहाँ पर आएगा सैमसंग जो आएगा यहाँ पर आएगा 183 लीटर में आएगा और यहाँ पर जो व्हर्लपूल को आने वाला है तो यहाँ पर 185 लीटर में आएगा। तो चलिए यहाँ पर जो लीटर में और बता दें कि इसमें जो सैमसंग जो है थोड़ा डाउन हो चुका है, लीटर में 183 लीटर बनाया है और जो व्हर्लपूल है आपका 185 लीटर बनाया है। तो चलिए इसका बात बताएं कि यहाँ पर हैंडल में, तो हैंडल यहाँ पर दोनों में दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी हैंडल दिया और व्हर्लपूल में भी दिया है। चलिए इसके कूलिंग मामले बता दें, इस कूलिंग के मामले में सबसे बेटर आने वाला है आपका व्हर्लपूल आने वाला है, जो कि यहाँ पर हम इसका यूज किए हुए हैं पूरा, मतलब 10 साल से यूज करें, इसमें कोई शिकायत की बात तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बेटर जो होगी इसके कूलिंग मामले में तो आपका व्हर्लपूल सबसे बेस्ट आएगा। और सैमसंग के बात बताएं तो जो ये कंपनी है अभी तो 20 साल का वारंटी इसलिए दिया है कि उसको थोड़ा इसको मार्केट में थोड़ा इसका डिमांड है, इसलिए ये 20 साल का वारंटी बना दिया है ताकि इस पर लोग पूरा फोकस करें और इसको बाय कर दे। तो यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर सैमसंग का जो इंडोर का बात बताया तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडोर का सीन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा बनाया हुआ है, यहाँ पे ऊपर से नीचे से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर चिल्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीजर, यहाँ पर आपको एक और फ्रीजर देगा और यहाँ पर जो कुछ 3 बॉक्स देने वाला है और नीचे आपको वेजिटेबल वाला बॉक्स दिया है। चलिए यहाँ पर बता दें कि डूर के पास यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कैटलेक में दिया हुआ है, यहाँ पर एक ट्रे दिया है, यहाँ पर आप पानी बोतल रख सकते हैं और यहाँ पर डूर में आप कोई भी चीज रख सकते हैं। तो चलिए इसके इंडोर का ये सीन था और बता दें आपका व्हर्लपूल का इंडोर के बाद। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडोर का, तो यहाँ पर इसका इंडोर का बात बता देते हैं। यहाँ पर एक फास्ट आइस दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिया है और यहाँ पर एक और क्विक चिलर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको खोल के आप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें आपको बहुत सारे बर्फ जमा सकते हैं। और यहाँ पर 2 खंड दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ये वाला और यहाँ पर जो नीचे है इसमें आप सब्जी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो गेट के पास दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बेटर बनाया हुआ है, यहाँ पर 4 दे देगा, यहाँ पर ट्रे, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर देख दिया होगा। सबसे नीचे वाला पार्ट बता दे कि यहाँ पर जो आपको दिया है इसमें आप बहुत सारे चीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं, स्पाइसेस जो मसाले होते हैं उसका भी बहुत सारे बढ़िया से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक और बात बता दे कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक और दिया है क्वालिटी में इसका दिया हुआ है, इसमें आप ये को रख सकते हैं। चलिए इसका जो साइड के बात बताएं, यहाँ पर डोर का साइड के बात व्हर्लपूल का यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मस्त यहाँ पर प्रिंटेड किया हुआ है व्हर्लपूल वालों ने, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक का यूज किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप एक और बात बता दें सैमसंग के बारे में, तो सैमसंग ने बहुत सारे चीज़ यहाँ पर एक्सचेंज किया है। इससे पहले के मामले में जो 2023 मॉडल इन्होंने निकाला है फ्रिज आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिजली कॉम्बिनेशन का बात बोले तो यहाँ पर जो सैमसंग का है 2 स्टार में आएगा, 188 मतलब जो पर यूनिट खाएगा साल में पूरा खाएगा। और यहाँ पर 1 स्टार में बता देते यहाँ पर 235 यूनिट खाएगा यहाँ पर व्हर्लपूल वाला। तो चलिए इसमें आपको बिजली खपत की तो कोई
दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कूलिंग के मामले में बता दे तो सबसे बेस्ट आएगा आपका यहाँ पर जो वर्लपूल है आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। और यहाँ पर जो आप यहाँ पर बिजली खपत की बात बोल रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 235 से यहाँ पर यूनिट कोई खास नहीं, आप इसको तो दिन भर चलाते नहीं है, पूरा साल में पूरा 24 घंटे तो यूज नहीं करते हैं, इसलिए आपके लिए कोई बेटर ज्यादा एथी नहीं है। तो चलिए इसका प्राइस बता देने वाले हैं। तो देखिए इसका प्राइस जो आने वाली है, यहाँ पर सैमसंग का जो प्राइस होने वाली है 18,999 रुपए आएगी, और यहाँ पर जो ऑनलाइन डिमांड है यहाँ पर इसका चल रहा है 17,000 के रेट में, तो आपको ऑफलाइन मिल जाएगा 16,500 में, तो आप यहाँ से बाइक खरीद बाइक कर सकते हैं मल्टी एंटरप्राइजेस से। और यहाँ पर बात बता दें वर्लपूल का प्राइस, इसका दाम जो है 18,500, लेकिन डिस्काउंट करके आपको 15,000 में आ जाएगा, सबसे बेटर फ्रीज होने वाली है आपके घर के लिए। तो चलिए आज का वीडियो